आशीर्वाद बहुत पहले ही मिल चुका है। हम जनता के दिल में है, पूर्णिया इतिहास लिखेगा, पूर्णिया पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा, पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा आईडी नीचे कर लीजिए ना, पूर्णिया का सीमांचल कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज बायवाड़ से लेके सब जगह चुनाव है लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति, एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो, मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। सभी दल के लोग यहाँ एक हो गए, राजनीतिक लोग, और सभी दल के वोटर पप्पू को बेटा बना लिया, सभी दल के वर्कर ने पप्पू को बेटा बना लिया। दिल्ली पटना एक हो गए और पूर्णिया का हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, भारत के हर लोगों का ब्लेसिंग, हर लोगों का आशीर्वाद और हर पार्टी का वर्कर का ब्लेसिंग पप्पू यादव के साथ हो गया। कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? माफ तो लगातार साजिश, लगातार मारने की साजिश हो ही रही सर। अब आप ही बताइए ना, गाड़ी सी जी कैंडिडेट का कोई औचित था? डीएम साहब ने जिस तरीके का व्यवहार किया, 50,000 रूपया पर आप केस करेंगे कैंडिडेट पर, 6 बार 5 बार सांसद रहे, 50,000 रूपया मेरे साथ दवाई है, मैं चलता हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे कपड़े वाले बैग भी रख लिए, मेरी दवाई वाली बैग रख ली, यदि मैं मर जाऊंगा। मैं तो पहले कहा कि कौन कौन लोग साजिश में है, यहाँ आए तो एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजा आपका क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ बहन को बाप को गाली दिलवाना हो, यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ोगे तो घर में ढुक के मार देंगे, तो ये तो सबको पता है। उसके बाद लगातार यहाँ पर कैंप किए सभी लोग और एक ही बात किए, किसी कीमत पर जदयू को जिता दो, पप्पू मर जाए, पप्पू खत्म हो जाए, पप्पू हारना चाहिए। तो अब तो 4 जून को ही ना एक पॉलिटिकल इतिहास और न्यू एरा राजनीति की शुरुआत होगी। पूर्णिया की माँ बेटी जो आईटीएन है, बेंगलोर में रहती है, वोट गिराने आ गई यहाँ पर, अभी सब लोग भवन आए, बोले कल ही हम वोट गिराने आए हैं, विदेश से लोग कह रहे हैं कि जाओ पूर्णिया जाके वोट गिरा के आओ। सर अब क्या चाहिए, इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए पप्पू को? अब आप देखिए ना, आज तक किसी की कार्रवाई हुई है? सर सर पप्पू प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, पूर्णिया की जनता से? मैं पूर्णिया की जनता से कहूंगा कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने बेटे का मुंह तोड़ जवाब और गिनीज बुक पर नाम लिखने के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री बनाए इसके लिए, एक एक माँ बहनों को घर से निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र और इस पवित्र महापर्व के भागीदार बने और न्यू वोटर से कहेंगे कि आप आज छोड़ दीजिए सभी सोशल मीडिया, पहले वोट गिराइए। बगल में मोदी जी आ रहे हैं, उसको क्या कह अररिया में आज मोदी सर, मुझको तो समझ में नहीं आता है, सबको अधिकार है ना भाई, आए थे ना पूर्णिया आए थे, सब वोटर पप्पू यादव के साथ है, बीजेपी को जो चाहते हैं लाइक करता है, बगल में आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगल बगल के। सर मुझको तो समझ में नहीं आता है, यहाँ सिर्फ बेटे का इम्पैक्ट है, किसी का इम्पैक्ट नहीं है। और मैं यह नहीं कहूंगा औरों की तरह, ये भी साजिश है, मोदी जी को आने का पूरा अधिकार है, उनको आना चाहिए, उनको मैं सीमांचल में सम्मान करूंगा और मैं चाहूंगा कि विकास का काम करें। तेजस्वी यादव ने 4 दिनों तक यहाँ कैंप किया। सर एक बात बोलिए ना, आप छोटे राजा की बात क्यों कर रहे हैं, बड़े राजा भी तो कल अपील किए पप्पू यादव के खिलाफ, बड़े राजा ने भी कल शाम में अपील किया के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं आप सर, किया कि नहीं किया?
एक तरफ आप बेटी को बेटी मानते हो और मेरी माँ बहन का सर को पर गाली सुनाते हो। आप हमको बताओ ना, मेरी माँ बहन को क्रिमिनल से गाली दिलवा रहे हो। आपकी माँ बहन नहीं है मेरी माँ बहन, मैं तो आप बहन माना, मैं तो आपको हमेशा पिता माना। और आपने आपने कांग्रेस आपने कांग्रेस के लिए अपील नहीं किया कि इंडिया को नहीं वोट दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो आप किस मुंह से दूसरी जगह इंडिया के लिए मांगिएगा? आपने तो सेंटीमेंट के साथ खेल गए ना, हो दलित के आदिवासी के माइनोरिटीज के सेंटीमेंट के साथ खेल गए ना, क्या कीजिएगा? आप उसके जज्बात के साथ खेल गए। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पूर्णिया की महापर्व में आज पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है। पत्रकार महोदय लोग का हमको ब्लेसिंग चाहिए, मैं आप सबसे आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। फिंगर दिखाए सर, मतदान लेकर के आप अभी आए हैं, अब मुझे आप आशीर्वाद देंगे? पप्पू यादव जी आए हैं अपना।